मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। आज मैं पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी पास्टर अलायंस जो है उनके सारे खादमीन जो हैं उनके साथ और मेरे साथ विलियम जुबेद साहब हैं जो पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के मरकजी प्रेसिडेंट हैं। आज हम पास्टर आमर रियाज साहब के पास आए हैं, इनकी खिदमत को सराहते हैं। रूहानी तौर पर ये अंजील की बुनियादी के लिए दिन रात लगे हुए हैं और फिर उसके अलावा उन जानों को जो नशे के बायस जो जिंदगियां तबाह हो रही थी, पास्टर साहब और इनकी सारी टीम जो है इनका चर्च इस पे लगा हुआ है कि उन लोगों को पकड़ पकड़ कर ये अपने अदारे में ला रहे हैं। मेरा बेटा होम में और मेरा बेटा होम मसीही ये लोग जो हैं जो परेशान थे, खानदान माँ बाप परेशान थे जिनके बच्चे जो है वो मनुष्यात के आदि हो चुके थे, उनकी एक उम्मीद बन चुके हैं मेरा बेटा होम जो है। मैंने काफ़ी लोग इनके पास भेजे हैं और वो लोग सेहतियाब होकर अपने खानदानों में वापस गए हैं और नॉर्मल ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं। मैं इस सारी इनकी खिदमत पर इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं, ख़ास तौर पर सारे चर्चेस को, कि खुदारा आए मेरा बेटा होम जो नशे के आदि लोगों को नई जिंदगी डिलीवर कर रहा है, खुदा उनके फजल से वो लोगों को वहाँ पर अंजील की मुरादी भी होती है, लोगों को सेहत याबी के लिए अलाज मुआवजा की सहूलियात भी मेरा बेटा होम में मौजूद है। आए सब लोग उसका हिस्सा बने, जो लोग उनसे लिए दुआ कर सकते हैं जिनके पास वक्त है वो दुआ करें, जिनके पास रुपया पैसे से वो मेरा बेटा होम की मदद कर सकते हैं मदद करनी चाहिए ताकि मेरा बेटा होम जो है अगर वहाँ पर इस वक्त 60 लोग ज़ेरे इलाज हैं तो वहाँ कैपेसिटी हो, रुपया पैसा होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों को ला कर उनका इलाज मुआवजा किया जाए, उन्हें दोबारा से माशरे में बहाल किया जाए। मेरी सब चर्चेज से, तमाम ऑर्गेनाइजेशनों से और इनफरादी तौर पर जो लोग अपने दिल में दर्द रखते हैं दूसरों के लिए, बीमारी से बहाली के लिए, मनुष्यात से छुटकारे के लिए जो काम करना चाहते हैं, वो मेरा बेटा होम जो मनुष्यात के आदि लोगों की सेहत याब करने के लिए अदारा है उसकी मदद करें, उसका हिस्सा बने। खुदा आप सबको बरकत दे। फिर मैं पास्टर आमर साहब उनकी सारी टीम जो है उसे मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ मेरी तरफ से, सारी टीम की तरफ से। खुदा इन सबको बड़ी बरकत दे। चेयरमैन पाकिस्तान मसीहा पार्टी जनाब असलम परवेज होता साहब का शुक्रगुजार हूँ, तमाम खुदाम जो खुदा के पास्टर्स पीस जो अभी अलायंस अपनी डेवलपमेंट की तरफ है उसका शुक्रगुजार हूँ इस हौसला अफजाई के लिए कि आपने शक्कत का, मेहरबानी का, मोहब्बत का ये तो बुके दिया है, प्रेजेंस आपके पास जो है वो हमेशा इंकरेजिंग है। और ये जो मसला है ड्रग्स का, ये मेरी कौम का मसला है और मेरे मुल्क का भी है। तो खुदावन ने हमें इस खिदमत के लिए इसलिए चुना ताकि हम अपनी कौम के नौजवानों की बेहतरी और डेवलपमेंट कर सकें, वो जो खोए हुए हैं उनको वापस जो है वो अपने ख़ानदान में लेकर आएं, ताकि कम्युनिटी हमारी कौम जो है इस मुल्क के अंदर एक अपनी नुमाया हैसियत रखते हुए मसीह के नाम को जलाल दे सके। तो इसमें कतई तौर पर मैं समझता हूँ कि किसी इंसान का नहीं बल्कि सारा जलाल और ऑनर जो है वो जिस मसीह के नाम को है जो बंधनों को खोल देता है और जकड़े ऊपर आजाद करता है। तो जो मनुष्यात के आदि हैं वो हमारे सेंटर में जब लाए जाते हैं तो खुदा उन्हें मसीह के नाम के वसीला से आजाद करते हैं। तो इट्स ए ऑनर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, जितने लोग देख रहे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ आपकी दुआओं के लिए। प्लीज़ पाकिस्तान मसीहा पार्टी को अपनी दुआ में याद रखें, जो ख्वाहिश जो कोशिश
पाकिस्तान के मसीहों के लिए की जा रही है, उसमें प्रोसिक्यूशन भी आती है। आपको पता ही है कि असलम परवेज साहब प्रोसिक्यूट हुए हैं, सताए भी गए, तो भी साबित कदम है, दिनों रात ये काविश कर रहे हैं। जितने खुदा आज इनके साथ खड़े हैं, इस बात का सबूत है कि खुदा इनको स्ट्रेंथन कर रहा है और आपकी दुआओं की जरूरत है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।